नमित होते हैं हर एक चीज के लिए। पहले कर्मानुसार जो है हर एक जीव जो है जहाँ पैदा होना है, कहाँ उसने शरीर छोड़ना है, कहाँ कहाँ की व्यवस्था खाने की उसकी है, सब व्यवस्थित पहले से है। हम लोगों ने जीवन में नहीं सोचा था मंदिर में आने से पहले कि हमने भी पुजारी बनना है। भगवान का विधान था, इन्होंने पहले से निश्चित करके रखा था कि थोड़ा टाइम तो बेटा थोड़ा सा देख ले, उसके बाद तेरे को फिर आना पड़ेगा। तो मतलब और देखो, भगवान ने जो पैदाइश की मंदिर के नजदीक, और आज मतलब सावन मास जो है महोत्सव, उसी में भगवान ने जो है मतलब इस शरीर को जो है इस धरा पे भेजा। तो ऐसा विचार कभी नहीं था कि हम को बड़े धार्मिक बनेंगे या ऐसा लंगर की व्यवस्था बनेगी। जो लोग यहाँ बैठे हैं
जिन्होंने शुरू शुरू में लंगर में सेवा की है वो जानते हैं, मोहल्ले की तो तकरीबन लड़कियां और लेडीजे सब आती थी उस वक्त, सब लोग फुलके बनाते थे, मस्ती से सब लोग अपना भजन भी गाते रहते थे, फुलके पीते रहते थे, आपस में कुछ ना कुछ मिलजुल करते रहते थे, बड़ा मस्त माहौल था उस वक्त का। फिर एक बार मन में हुआ कि 108 रामायण के पाठ होने चाहिए, पुरानी बातें हैं, तो नवापरायण बैठकर नवापरायण का जो पाठ है 108 के 10 लोग थे हम लोग सब, यहाँ की लेडी सब लोगों ने हॉल में जो है बैठ करके नवापरायण का पाठ किया और 110 पाठ जो है अखंड मतलब रामायण के जो है सब लोगों ने किए। तो जीवन में मतलब नहीं सोचा होता है, कई बार हम लोग कहते हैं कि बच्चों के प्रति किसी के प्रति के हमारे बच्चे जो है अच्छे नहीं है, हमारे बच्चे अच्छे हैं, मेरे को जो लगता है ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एक माली जो है पौधा लगाता है तो माली क्या कर सकता है, उसमें मैं फल थोड़ी डाल सकता हूँ, उसमें उत्सव चल रहा है महोत्सव, एक कोई एक आदमी चला सकता है, कोई संस्था चला सकती है, नहीं चलाती, बताओ मेरे को किसी अगर कहीं कोई संस्था भी चलाती है बिना रात दिन जो चला हुआ है, ये देव कृपा है, इसको समझो आप, ये कोई मेरा करने से नहीं, ये भगवान की कृपा है। तो बड़ी बात है कि उसने हमको उस लायक वैसा बना के रखा है कि चलो उसके ही समर्पित होकर के रह रहे हैं जैसा उसने कराना है। बांसुरी को गोपियों ने जो है कहा कि भगवान कृष्ण के साथ जो बांसुरी साथ में रहती है, उनको बड़ा द्वेष हो गया, द्वेष हो गया, तो उन्होंने कहा कि किसी दिन बांसुरी को इसको चुराते हैं। कन्हैया जो है एक बार कहीं थोड़ा सा ऐसे आंखें मोड़ के बैठे थे, उन्होंने बांसुरी निकाल दी और बांसुरी से पूछते हैं कि बांसुरी तेरे में क्या गुण है, ऊपर नीचे पलटा कर दिया कि तेरे में ऐसा क्या गुण है कि कन्हैया जो है प्रभु तेरे को अपने साथ ही रखते हैं। तो बांसुरी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, बांसुरी ने कहा कि मेरे में कोई गुण ही नहीं है, क्यों छेद ही छेद ऊपर से खाली तो है, खाली है। तो बोलते हैं जैसे भगवान इसमें अपनी भूख भरते हैं और इसमें अपनी डालते हैं वैसे ही मैं इसमें सब निकालती हूं, मेरा उसमें कुछ नहीं है। समर्पण का मतलब है कि जैसे प्रभु ने रखना है, जैसे भी जिस भाव में रखना है, जैसे भी जिस हाल में रखना है वैसा ही है। तो जीवन में जितना खाली होगे, खाली होने से काम बनना है, आप खाली होगे उसका जो भी अक्ष उसमें पड़ेगा, उसकी जो भी फूक पड़ेगी, उसकी जो भी मतलब वो क्रिया कराना चाहेगा वो आपके ठीक उतरेगी, तभी बात बनेगी। अब देखो किसी मकान में जाकर इतना कुछ सामान भरा हो तो मेहमान आकर के क्या कहाँ बैठेगा, कोई जगह तो हो नहीं पाएगी, जगह खाली करनी पड़ेगी तब कोई आएगा। ऐसे इस दिमाग इस मन को भी जो है खाली करना पड़ेगा। जब बिल्कुल आप देखो इस वक्त आप बिल्कुल खाली होते हो कि किसी वक्त तो कितना अच्छा लगता है, कोई बाहर जाने की बात नहीं है, बाहर कुछ मिलना है कुछ ऐसा भी कुछ ज्यादा लंबा चक्कर नहीं है। जितने जितने खाली होते जाएंगे आप ये देखो कभी कभी कोशिश करके देखो, कुछ आभास ही ना रहे कि मैं कुछ हूं, गुल जाओ। नशे में जो लोग होते हैं ना कभी कभी वो कुछ उनको याद ही नहीं रहता, उनको रात को कुछ बोलेंगे फिर सवेरे कुछ और को वो बोलते मैंने कहा बोला, मैंने क्या किया ऐसा, मैंने कुछ भी नहीं किया भाई, वो याद ही नहीं रहती उनको। ये बहुत बड़ा नशा है, नाम का भक्ति का नशा है, बहुत बड़ा नशा है। इसका पता तो उसको है, मीरा भाई को है, रश खान को है, रह दास को है, इन्होंने किया, इनको पता लगा। तो भगवान की जो है व्यवस्था जो है समर्पण जो है, जब समर्पण आप करेंगे, गीता में जो है भगवान ने जो है 18वें अध्याय में कहा कि अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन अगर सब कुछ बताने के बाद देखो कितनी अच्छी बात है, 18वें अध्याय में कि अब अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन तेरे से कुछ भी नहीं हो सकता, तो एक काम कर दिया सब झंझट खत्म कर, ना कोई योग ना कोई भक्ति ना ज्ञान को लेन, तू अपना आप मेरे समर्पित कर दे, बस अपना आप तू समर्पित कर दे, फिर मेरा खेल है, मेरा काम है, मैं देखूंगा कि कैसे रखना है क्या करना है सब देखो।